हेलो एवरीवन। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कभी कभी एक इशू आता है, जो कि इस टीवी की स्क्रीन रोटेट हो जाती है और नेगेटिव पिक्चर आ जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए टीवी को ऑन करना है और उसके बाद टीवी जब होम पेज पे आएगी उसके बाद हमें रिमोट पे दिए गए सीओएस बटन को एक बार प्रेस करके सिक्वेंसली 2580 प्रेस करना है। उसका मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें सोर्स बटन को एक बार प्रेस करना है और 2580 सिक्वेंसली एक के पीछे एक उसको दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्ट्री मेनू ऑप्शन ओपन होगा, उस पर आपको यहाँ पे एडजस्ट द स्क्रीन पैरामीटर जो ये ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको जाना है। एडजस्ट द स्क्रीन पैरामीटर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिरर मोड ऑप्शन दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन जो रोटेट होती है ये मिरर मोड ऑप्शन ऑन हो जाता है, उसे हमें ऑफ करना है। उसे ऑफ करने के बाद जो नेगेटिव पिक्चर रहते हैं, जो कि पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है, तो आपको LVDI STI मोड जो होता है उसे वहाँ पे जीरो हुआ होता है उसे वन करना है। जो यहाँ पे जो सेटिंग है 120 सेम सेटिंग आपको करना है। जो LVDI STI मोड है वो जीरो हुआ होता है उसे वन करना है। उसके बाद आपकी पिक्चर जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। और जो आपका रोटेशन है उसे मिरर मोड में आपको ऑफ करना है। और उसके बाद आपने चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जो डाटा रिटेंशन है उस ऑप्शन में आके यहाँ पे ऑप्शन सेव करना है। जो यहाँ पे आपको डाटा रिटेंशन है उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपका फैक्ट्री जो आपने जो सेटिंग चेंज किए वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपका जो रोटेशन है और जो पिक्चर क्वालिटी जो निगेटिव हुई वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू।